अम्मी लोग आज जी जी फ्लाई करेंगे पाकिस्तान। ओके अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, जिस दिन का इंतज़ार था मम्मी लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया है और अम्मी लोग आज जी जी फ्लाई करेंगे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला। अभी सुबह का टाइम है, सब लोग उठ चुके हैं, अम्मी लोग तो नीचे चले गए, उन्होंने सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया, सब रेडी हो रहे हैं। तो मैंने कहा मैं जल्दी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करने हैं सब कुछ, जब मम्मी लोग जाएंगे कैसे एक्साइटमेंट है सारा कुछ, थोड़ा बहुत इमोशनल सीन भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं इंशाल्लाह ताला। चलो मैंने कहा मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ जल्दी से, अभी जी फ्रेंड नीचे चलते हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं, तो जल्दी से मैं नीचे से होकर आती हूँ और फिर उसके बाद आगे आगे जो भी सीन होगा सब मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी फ्रेंड्स, हम नीचे गए, नीचे जाके देखा तो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, अपने अपने कामों में सब बिज़ी थे, जिसने जो भी करना था वो कर रहे थे। तो फिर उसके बाद जी मैं वापस ऊपर आई, देखा तो मम्मी भी बिल्कुल रेडी हो रही थी, तो मम्मी मुझे दिखा रही थी कि मैं ये वाली ट्रोज़र शर्ट जो भी मम्मी ने डिसाइड किया था, मैं पर्स वगैरह मम्मी दिखा रही थी कि ये सब ठीक है। मैंने कहा हाँ मम्मी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जी फ्रेंड अभी मैं वापस नीचे जा रही थी, क्योंकि कुछ सामान के बॉक्सेस ऊपर थे और कुछ ऑलरेडी गराज में ना रख लिए थे ना, तो अभी बस जो ऊपर थे वो भी उमेश और भैया लोग मिलके नीचे लेके आ रहे थे ना, तो बस अभी फ्रेंड जल्दी से सारा सामान गैराज में रखेंगे, उसके बाद एड्रेस वगैरह लेबल वगैरह जो भी हैं सब कुछ वो मैस वगैरह लिख के बॉक्सों के ऊपर, फिर वो ना गाड़ी में सारा सामान शिफ्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स मैं और बच्चे नहीं जाएंगे मम्मी लोगों को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, क्योंकि एक्चुअली दो बड़े रीज़न हुए, एक तो बच्चे नहीं ठीक क्योंकि उन्हें ना फ्लू और नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हुआ है, दूसरा ये कि मम्मी लोगों की फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, वो पोर्टलैंड की बजाय अभी उन्हें सिएटल जाना पड़ेगा, तो सिएटल हमारे घर से 2.5 आवर दूर है, तो फिर मैंने कहा बच्चे ठीक नहीं है, सफ़र करना फिर बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बस जी अभी यहाँ पे जो भी है सारा सामान वगैरह बिल्कुल लेबल वगैरह कर लिया था, रेडी था, अभी भैया और उमेश मिलके रख रहे थे गाड़ी में। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आसपास में बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं, तो आप लोग सोचेंगे ओए रब्बा कितना गंद डाला हुआ है, तो फ्रेंड ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मम्मी लोग जा रही हैं ना, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान, तो फिर आपको पता है पैकिंग वगैरह करने में तो फिर चीज़ें तो बिखर ही जाती हैं ना, तो कोई बात नहीं, मम्मी लोग इंशाल्लाह ताला खैरी खैरी जाएँ और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं सारा क्लीन अप पीछे करूँगी। अभी मैं अंदर आ चुकी थी क्योंकि अब्बू जी कह रहे थे कि उन्हें चाय पी के जानी है मेरे हाथ की, तो बस अभी मैं जल्दी से चाय बना रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पता है बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, रो रहे थे कि उन्हें अपने दादा दादी के साथ जाना है, उन्हें अपने दादा दादी से बहुत ज़्यादा प्यार है और होना भी चाहिए। तो बस फ्रेंड्स ओके अब्बू जी, कुछ नहीं, ओके अम्मी जी, अल्लाह हाफिज़, खैरी खैरी जाओ इंशाल्लाह ताला, खैरी खैरी फिर इंशाल्लाह ताला, ओके भैया अल्लाह हाफिज़, अल्लाह दिस पर नहीं, हम दूसरी गाड़ी में जाएंगे, उसी गाड़ी चलो। अम्मी जगह है कि तन वास्ते ताडे वास्ते, ओए बिठाई नहीं, ओके बस चल बस ठीक है, नहीं जगह सही है, चलो निमरा हम उस गाड़ी में चलते हैं, डाल स्टोर, नहीं हम डाल स्टोर जा रहे हैं ना बेटा उस गाड़ी में, ठीक है मम्मी, चलो ठीक है। अच्छा जी फ्रेंड्स, हम लोगों ने सब लोगों ने मम्मी लोगों से सबसे मिल लिया था, मम्मी यहाँ पे थोड़ी सी इमोशनल हो रही थी क्योंकि आपको पता है बच्चों को देख के मम्मी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो बस इसी वजह से वो थोड़ा सा ना इमोशनल हो रही थी। तो बस अभी अल्लाह खैर करे खैरी खैरी जाएँ, आपको पता है फ़्लाइट डिले है, अभी 2.5 आवर लगेंगे, वो सिएटल से उन्होंने अभी जाना है, तो वहाँ से अगली फ़्लाइट उन लोगों की है इंशाल्लाह ताला। बस ये फ्रेंड अभी निमरा कह रही है कि मुझे गाड़ी में लेके जाओ, लेकिन हमारा फुल प्लान है कि किसी ना किसी तरह बच्चों को बस अंदर ले जाएं और फिर थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह ताला बाहर लेके जाएंगे स्टोर पर बच्चों को। ओके फ्रेंड्स, अभी तक नहीं आइस मेल्ट हुई, अभी तक साइडों पे है। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी हम जल्दी से जाएंगे अंदर और यहीं पर मैं अपने व्लॉग की एंडिंग करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।